हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको चैप्टर 7 द पप्पी एंड आई और लिटिल टाइगर एंड द बिगर टाइगर, ये आज आपको मैं पोएम पहले पढ़ाऊंगी और फिर इसकी स्टोरी समझाऊंगी। अब देखो यहाँ पे पप्पी एंड आई, पप्पी एंड आई का मतलब ये होता है कि छोटा सा बच्चा, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि किस तरह से कि छोटा बच्चा है वो पप्पी के पास जाता है। अब मैं रीड कर रही हूँ लाइन, आपको उसमें फिंगर रखना है और कुछ बोलना नहीं है, सुनना है चीजें। आई मेट ए मैन एज आई वेंट वॉकिंग, एक बच्चा है वो ये कहता है कि मैं जा रहा था वॉकिंग करते हुए और मुझे रास्ते में एक आदमी मिलता है, वी गॉट टॉकिंग, हम दोनों ने बातें शुरू कर दी। तो बच्चा ये कहता है कि रास्ते में जब मैं जा रहा था तो मुझे एक आदमी मिला और हम दोनों ने बातें की। मैन एंड आई, कौन बातें कर रहा था? मैन और वो आदमी, बच्चा बातें कर रहा था। वेयर आर यू गोइंग टू द मैन, आई सेड। तो उस छोटे से बच्चे ने, ये पिक्चर आपको दिख रहा है कि पिक्चर में आप देख सकते हो, वो छोटा जो बच्चा है वो उस आदमी को पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, जब वो आदमी चल के जा रहा था तो छोटा बच्चा उसको पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, तो वो आदमी बोलता है कि मैं गाँव में जा रहा हूँ। डाउन टू द विलेज यानी नीचे जो गांव है वहां पे मैं गांव में जा रहा हूँ और मैं ब्रेड लेने जा रहा हूँ। विल यू कम विथ मी? नो नो नॉट आई, तो बच्चा बोलता है, तो वो आदमी बोलता है क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो बच्चा बोलता है नो नॉट आई, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, और बच्चा वहां से चला जाता है। आई मेट ए हॉर्स आई वेंट वॉकिंग, और फिर बच्चा आगे चलते चलते जाता है और तभी उसको रास्ते में एक हॉर्स मिलता है, वी गॉट टॉकिंग। तो बच्चा उसी जैसे आदमी से बातें कर रहा था उसी तरह से वो हॉर्स से बातें करता है। अब बोलता है कि हॉर्स एंड आई, वेयर आर यू गोइंग टू द हॉर्स टुडे, आज तुम कहाँ जा रहे हो, वो हॉर्स को पूछता है। आई सेड द हॉर्स, तो उसने हॉर्स को पूछा, किससे पूछा, छोटे बच्चे ने हॉर्स को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, तो हॉर्स क्या बोलता है, देखो मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है हॉर्स के लेग्स दिख रहे हैं ना, और हॉर्स भी दिख रहा है। पहले वो आदमी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, सेकंड टाइम वो हॉर्स को पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हॉर्स ने क्या बोला, डाउन टू द विलेज, मैं नीचे गांव में जा रहा हूँ, टू गेट सम हे, टू गेट सम हे यानी कुछ हे लेने के लिए, हे का मतलब होता है घास। आपको मैं बता दूं घास जो होती है ना गांव में, जो लोग होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, घास को, हरी घास को काट लेते हैं और काट काट के वो लोग घर में अपने एक स्टोर में ला के रख देते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो घास सूखी येलो कलर की हो जाती है, तो वो जो सूखी घास होती है उसको एनिमल के लिए एज ए फूड, खाने की तरह यूज करने के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं और उसको काट के सुखा देते हैं, वो सूख जाती है और वो हे बन जाता है, तो वो सूखी घास को हे बोलते हैं। ओके, तो बोलते विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, पूछता है हॉर्स। तो बच्चा बोलता है नो नॉट आई, मैं नहीं आऊंगा। तो एक थर्ड पैराग्राफ में देखिए, आई मेट ए पप्पी, फिर उसको वहां पे पप्पी मिलता है, आई वेंट वॉकिंग, तो वो बोलता है जब मैं चलते जा रहा था तो मुझे पप्पी मिलता है, वो दोनों साथ में बातें करते करते जाते हैं। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, सॉरी, आई मेट ए पप्पी, फिर पप्पी को बोलता है वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, इतना मस्त सा दिन है तुम कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू पप्पी, तो बच्चे ने पप्पी को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। अप टू द हिल्स टू रोल एंड प्ले, तो डॉग क्या बोलता है छोटा पप्पी कि मैं हिल्स पे, मैं ऊपर हिल्स पे जा रहा हूँ और वहां पे रोल यानी गोल गोल घूमूंगा, खेलूंगा और खूब मस्ती करूंगा। आई विल कम विथ यू पप्पी सेड आई, तो बच्चा बोलता है ओ तुम ऊपर हिल्स पे जा रहे हो और रोल रोल यानी गोल गोल घूमोगे, खूब मस्ती करोगे, खेलोगे, तो बच्चा बोलता ओ ये तो मैं भी करूंगा, मुझे भी बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड है जो आपको पढ़ना है। विलेज का मतलब होता है हिल्स, सॉरी गांव, हिल्स का मतलब होता है पहाड़, ब्रेड का मतलब होता है जो आप खाते हो ब्रेड, हे यानी सूखी घास, रोल यानी गोल गोल घूमना, और प्ले का मतलब होता है खेलना। नाउ टर्न द पेज, एंड स्टॉप मेकिंग नॉइज। ओके, आप लोग सब लोग बॉयज एंड गर्ल्स अच्छे से सुनो और बिल्कुल आवाज मत करो, वरना ना अब मैं आपको उसी पोयम का ये लेसन पढ़ाने वाली हूँ, लिटिल टाइगर एंड अ बिग टाइगर। ओके, देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड अ स्मॉल टाइगर कब। थर्ड स्टैंडर्ड, ये नोट को अच्छे से पढ़ना, और थर्ड स्टैंडर्ड में आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये होगा कि मैडम आप हमको वीडियो जो भेज रहे हो वो बहुत कम भेज रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये बुक जो नवी आई है मैरी गोल्ड की, ये इस साल ही आई है, तो इसमें जितने चैप्टर हैं वो चैप्टर की वीडियो मैं आपको भेजूंगी, और आप ये वीडियो को ओपन
ओपन करके चैप्टर को सुन सकते हो, यही आपको इतना करना है ओके। और आपको बाकी रीडिंग करना है, होमवर्क करना है और ग्रामर का आपको वीडियो जा रहा होगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैडम हम आपको हमको ज्यादा वीडियोस क्यों नहीं भेज रहे हो, क्योंकि आपका ये चैप्टर 7 चल रहा है, 8, 9, 10 तीन चैप्टर और होंगे थर्ड स्टैंडर्ड, तो बहुत करके आपको 3 वीडियो और मिलेगा और वो मंथ वाइज होगा, मार्च तक या अप्रैल तक, आपको मार्च तक एंड तक चाहिए 10। तो अभी मैंने आपको 7 दे दिया, मे बी आपको 15 डेज के बाद में 8 दे दूं, उसके बाद 9, 10 का वेट मत करना, वो आपको आफ्टर एग्जाम जनवरी में जो आपका एग्जाम हो जाएगा ना, जनवरी का आपका एग्जाम हो जाएगा ना, जनवरी में जो आपका एग्जाम हो जाएगा ना, तब मैं आपको उसके बाद आपको मैं ना वैसे ही आपको वीडियो भेजूंगी इस हिसाब से, ठीक है। ये आपका मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर। लिटिल टाइगर का मतलब होता है छोटा टाइगर और बिग टाइगर का मतलब होता है बड़ा सा टाइगर, ओके। अब आप लोग सब ये लेसन को देखिए और इस पे अपनी फर्स्ट लाइन फिंगर रखिए और इसको सुनना है, ओके। देयर वॉज अ बिग टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब, वहां पर एक बड़ा सा टाइगर था और उसका एक छोटा सा टाइगर था। छोटे टाइगर को आपको सबको पता है सी बी कब बोलते हैं। दे लिव नियर ए रिवर इन शेडी जंगल, वो लोग नदी के पास एक शेडी यानी छांव वाले जंगल में रहते थे। व्हेन द स्काई वाज डार्क, जब स्काई जब बहुत डार्क यानी बहुत घना अंधेरा छा गया था, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। तो मदर जो माँ टाइगर थी ना, आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, जो ये टाइगर माँ थी ना, ये हंट करने जाती थी यानी रात को शिकार करने जाती थी ताकि अपने बच्चों को कुछ खिला सके। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड, और जब ये टाइगर, ये जो माँ है टाइगर, जब ये हंटिंग के लिए जाती थी यानी शिकार करने जाती थी, तो इसका जो बेबी कब है, इसका छोटा जो बच्चा है, इसको हम कब बोलते हैं, इसका जो बच्चा है उसका, वो भी अपनी माँ के साथ जाता है क्योंकि वो माँ उसको अकेला नहीं छोड़ सकती है, ओके। व्हेन द लंगूर मंकी सॉ हर, तो इतने में क्या होता है, लंगूर मंकी यानी आपको सबको पता है लंगूर मंकी जो होता है आपके एरिया में भी जो मंकी आता है ना, जिसका ब्लैक फेस होता है, पूरा ग्रे कलर का होता है, तो वो मंकी या उसके टाइप का जंगल में जो भी मंकी होता है वो मंकी आता है। तो वो मंकी ही कॉल्ड ए लाउड हार्श कॉल, तो उसको अचानक से एक आहट हो गई कि टाइगर आ रहा है, वॉच आउट टाइगर इज कमिंग। तो मंकी ने पेड़ पे से टाइगर को देख लिया कि एक टाइगर आ रहा है यहाँ पे हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, तो सब लोग एकदम चौकन्ने हो जाओ और अपने आप को संभालो। तो ए टाइगर इज कमिंग, सांभर डियर बिलोड एंड द कक्कर डियर बार्क एंड सम टाइम्स द गेम गॉट अवे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपने देखा होगा डिस्कवरी में भी कि जब मंकी या कोई अदर एनिमल अगर वॉर्न करता है या बर्ड्स चिल्लाती है, तो सारे एनिमल डियर वियर सबको पता चल जाता है कि टाइगर या लायन आसपास है। तो इसी तरह ये चैप्टर में भी यही होता है कि यहाँ पर ये जो लंगूर मंकी होता है ये लाउड हार्श वॉइस में चिल्लाता है और आवाज निकालता है, बहुत टाइगर आया, तो सारे एनिमल्स जो डियर है ना, आपको दिख रहा है आपकी बुक में, आप पिक्चर में देखोगे अगर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डियर किस तरह से भाग रहे हैं। तो सारे एनिमल्स, डियर जो है, कक्कर है, वो डियर भी एक अजीब सी आवाज निकालता है डर के मारे और सबको वॉर्न करता है कि जो जो पानी पीने आया सब लोग जान बचा के भागो, और कक्कर डियर बाघ यानी वो भी अपनी आवाज निकालता है और सब भागते हैं और गेम इज अवे। और टाइगर ने जो गेम खेला था कि मैं जानवर को पकड़ के एक को मार डालूंगा, शिकार करके खाऊंगा, तो गेम एकदम खत्म हो जाता है क्योंकि सारे एनिमल्स चौकन्ने हो जाते हैं। शी हंटेड देन जंगल फाउल, फिर उसने देखा कि वो मेरा शिकार चला गया, तो उसने जंगल फाउल को हंट किया। आपको ये होगा जंगल फाउल कौन है, इट्स अ बर्ड, ओके, इट्स अ बर्ड विद अ लॉन्ग टेल, बहुत लंबी पूंछ, और पीजेंट एंड फ्रॉग, ओके। जंगल फाउल जो होता है एक बर्ड होता है, और पीजन जो होता है एक टाइप ऑफ चिड़िया होती है जिसके लॉन्ग टेल बहुत लंबी पूंछ होती है, और फॉरेस्ट फ्रॉग या तो एक मेंढक को पकड़ लेना। तो शिकार फिर छोटे मोटे शिकार करता है, टाइगर जो है ना, अगर उसका शिकार, उसको डियर नहीं मिलता तो भूखा तो रहना ही है, तो उसके बाद वो कोशिश करता है कि मैं छोटे मोटे शिकार करके पकड़ूं और अपना और अपने बच्चे का पेट भरूं। उस हिसाब से फिर वो जाता है रिवर में फिश के लिए, और फिर कुछ चारा नहीं मिलता ना, तो वो फिश पानी में फिश मिल जाती है वो पकड़ के लिए जाता है। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, पर वो पूरी रात शिकार नहीं करता। इफ द मून वॉज ब्राइट, और मून अगर स्काई में चमक रहा होता है, द मदर टाइगर लेट डाउन, मदर टाइगर नीचे लेट जाती है एंड वेटेड फॉर द डॉन, और वो हल्के से उजाले का वेट करती है। सी ट्विस्ट द टिप ऑफ अ टेल एंड द टाइगर कब पाउंस ऑन अ टेल अगेन एंड अगेन, और फिर वो उसका जो बेबी कब है वो क्या करेगा, वो घड़ी घड़ी अपनी माँ की पूंछ पे, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है किस तरह से बेबी कब अपनी माँ की पूंछ पे घड़ी घड़ी पाँव रखता है, पाउंस करता है और वो माँ को पकड़ने की कोशिश करता है, और इस तरह से उसकी माँ को शिकार करने में डिस्टर्बेंस आता है। नाउ सी टर्न द पेज
इफ यू वेंट टू फार अवे, अगर टाइगर बहुत आगे निकल जाता है, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो वॉइस गन, अगर उसका बेबी आगे निकल जाता है तो उसकी माँ उसको आवाज करके बोलती कि तुम मेरे साथ रहो, वाइट गन यानी गुस्से की आवाज में करते कि चुपचाप पैदा करो। द टाइगर की कब केम बैक, और बच्चे की क्या आदत होती है कि वो अपनी माँ के साथ पीछे पीछे जाता है, और वो बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, पर उसको अच्छा नहीं लगता है। बेबी कब को क्या है, अपनी मम्मी के पीछे पीछे फॉलो करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि माँ तो शिकार करने जा रही, मैं घड़ी घड़ी माँ के पीछे क्यों जाऊं, माँ के पीछे पीछे मैं क्यों जाऊं, तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे पसंद नहीं आता। तो वो बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे, और वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड, मदर टाइगर वॉज कैसा वो डिस्टर्ब हो जाती है कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चे को अकेले छोड़कर आना है, तो वो क्या करती है, बहुत थक गई होती है, तो वो क्या करती है, शी क्लोज हर आईज, और वो थक कर वहां पे लेट जाती है। द टाइगर जस्ट सॉ अ टाइनी फ्रॉग, तो माँ जब बहुत पीड़ा शिकार के पीछे भागती है करती है, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत थक जाती है, क्योंकि रात भर उनको शिकार ढूंढना पड़ता है, जब तक एक अच्छा शिकार नहीं मिलता तब तक वो शांति से नहीं बैठते। तो उस टाइम वो आग बंद करके लेट जाती है, तो बेबी टाइगर क्या करता है पता है आपको, बेबी टाइगर जो होता है ना वो यहाँ वहाँ खेलता है, तभी उसको पानी में टाइनी फ्रॉग, एक छोटा सा टाइनी फ्रॉग आपको पिक्चर में दिख रहा है, किस तरह से वो टाइनी फ्रॉग उसको दिखता है और वो उसको पकड़ने जाता है। टाइगर तो हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड, और वो भी फ्रॉग हॉप करता है, तो वो भी उसके साथ उछलता कूदता है, ओके, और ही चेज द फ्रॉग, और वो फ्रॉग को चेज करता है, वो फ्रॉग को चेज करता है कि मैं उसको पकड़ लूं, और रिटर्न टू शो हिज मदर, और ताकि मैं पकड़ के अपनी माँ को दिखा सकूं, बट ही वॉज साइड, पर उसकी आंख से ओझल हो जाता है। इंस्टेड ही सॉ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिज जंगल, और वो मैडक को फ्रॉग को पानी में पकड़ते पकड़ते रिवर में किनारे भागते भागते वो इतना आगे निकल जाता है, किसको पता ही नहीं चलता कि मैं बहुत आगे निकल गया। और जैसे ही वो आगे आगे निकल जाता है तो उसको एक बड़ा सा टाइगर दिखता है इन द जंगल, उसको अपनी माँ से भी एक बड़ा सा टाइगर जंगल में दिखता है, और वो चौंक जाता है। द टाइगर्स ग्रीन आई डिसेंट आज ही वॉच द टाइगर कब, और उसको अपने उसको टाइगर की जो आंखें बड़ी बड़ी देखती है, पानी में आपने देखा होगा कि जब टाइगर की परछाई वाटर में जाती है तो एक अजीब सा शाइनिंग लुक दिखता है, उसको हम बोलते हैं ग्लिसेंट। तो टाइगर कब जो होता है वो डर जाता है, He could not hide or run, और वो छोटा बच्चा जो होता है ना टाइगर का, वो डर जाता है और छुप नहीं पाता। He let the frog hop away, और फिर वो फ्रॉग को जो पानी में हॉप कर रहा है ना जान लेता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं फ्रॉग को पकड़ने की लालच में इतना आगे आ गया कि मैं तो बहुत आगे निकला, और मेरे सामने इतना बड़ा शेर आ गया, और ये तो मेरी मम्मी भी नहीं, ये तो कोई और है। तो डर जाता है और फ्रॉग को जाने देता है कि अब मैं इसको नहीं पकड़ूंगा, और वो इतना डर जाता है ना, वो इतना डर जाता है ना कि वो उसको समझ में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, उस तरह से वो कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। तो वो द टाइगर क्रेप्ट क्लोजर टू द टाइगर, और धीरे धीरे बड़ा जो टाइगर है वो उसकी छोटे बच्चे के पास आता है, बट ए रोल फ्रॉम द जंगल, और वो बहुत जोर से रोल करता है यानी दहाड़ता है। द रोल ऑफ द मदर टाइगर, शी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, तो क्या होता है, बट ए रोल फ्रॉम द जंगल, तो जोर जोर से जब दहाड़ आती है, द रोल ऑफ द मदर टाइगर, तो माँ भी चिल्लाती है, इसका बच्चा खो जाता है, शी फेस द अदर टाइगर, और वो दूसरे टाइगर का सामना करती है, एंड ही वेंट अवे, और जो टाइगर बड़ा सा आता है बच्चे के पास वो वहां से चला जाता है। द मदर टाइगर लाइक टू रोल लाउड, तो माँ जो टाइगर होती है वो और बहुत जोर से दहाड़ती है, ए बिग टाइगर रोल, और टू टेल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वाज देयर, तो वो जो माँ होती है ना कब की, वो बहुत जोर से दहाड़ती है, और बहुत देखा आपको पिक्चर में दिख रहा है, वो इतनी जोर से दहाड़ती है कि उसको बताना चाहती है कि मैं यहाँ पे हूँ, और किसी को सब ताकि डर के सहम के बैठ जाए। तो जब दूसरा टाइगर तो चला जाता है, ऑल द एनिमल्स इन द जंगल केप्ट अवे, और सारे एनिमल्स उसकी रोल सुन के वो डर जाते हैं और बहुत दूर भाग जाते हैं। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोल लाउड, टाइगर कब रोल टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, तो जो टाइगर कब जो छोटा सा टाइगर का बच्चा था ना, उसको भी मन करता है कि मैं जोर से रोर करूं, बहुत तेज आवाज निकालू, ए लाउड टाइगर कब रोर, और वो चाहता है कि मैं बड़ा टाइगर जैसे दहाड़ता है ना उस तरह से दहाड़ू और सबको डरा के हटा दूं वहां से, टू टेल ऑल, और वो बताना चाहता है सारे एनिमल्स को कि मैं जंगल में हूं,
ऐसा होता है, बट ऑल द एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफेक्टेड एट ऑल एंड नन अवे रहते। तो वो सोचता है छोटा बच्चा कि मैं दहाड़ूंगा ना जोर से तो सब लोग भाग जाएंगे, पर आपको मैं बता दूं छोटा कब अगर दहाड़ेगा ना रोड करेगा ना तो उससे कोई नहीं डरेगा क्योंकि वो छोटा बच्चा है। और जब बड़ा टाइगर रोड करेगा ना तो सारे एनिमल्स डर के भाग जाएंगे और वो जगह जगह पर छुप जाएंगे। बट देयर केम ए ईयर, फिर एक साल बीत गया, देयर वेन द स्मॉल टाइगर का वॉज फुल ग्रोन टाइगर, और जो ये छोटा टाइगर का बच्चा आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, एक साल हो गया ये बहुत बड़ा सा टाइगर बन गया। क्या बन गया? बहुत बड़ा सा टाइगर बन गया। ही वॉक फॉर माइल्स अलोन, और बहुत दूर मीलों मीलों तक अकेला जाने लग गया। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और वो भी अपनी माँ की तरह, हंट यानी शिकार करने के लिए जाने लग गया। ओके रात को वेन ही रोड, और वो रात को जब रोड दहाड़ मारने लग गया टू टेल अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वाज देयर, और फिर उसने भी अपनी माँ जैसी हरकत की कि मैं भी रात को दहाड़ूंगा और दूसरे एनिमल्स को डराऊंगा और अपना शिकार करके खुद खा के पेट भरूंगा। और जब वो दहाड़ता था जोर से केप्ट ऑल एनिमल्स फार अवे, और दूसरे एनिमल्स को दूर रखता था। एंड अ ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड स्मॉल कब, एंड अ ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन ए स्मॉल टाइगर कब, और वो जो बड़ा सा टाइगर जो था, एक जमाना था जब वो छोटा सा टाइगर था और वो इतना जोर से आवाज नहीं करता, लेकिन आज वो बड़ा गया। हियरिंग हिज ओन लाउड रोर स्माइल टू हिमसेल्फ ए ग्रेट बिगर स्माइल, और जब उसने ये सोचा कि ओ मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ और अब मैं दहाड़ता हूँ, मेरी दहाड़ की आवाज इतनी बड़ी हो गई ना कि अब सारे एनिमल्स डरते हैं, तो वो अपने आप पे इसमें स्माइल करने लग गया, यानी उसको अपने आप पे प्राउड फील होने लग गया, कि देखो जब मैं एक साल पहले छोटा बच्चा था तो मेरी मम्मी दहाड़ती थी, रोर करती थी और आवाज सुन के सब एनिमल्स डर जाते, लेकिन एक साल बीत गया, मैं छोटे से बड़ा हो गया, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं अब इतना पावरफुल हो गया हूँ कि अब दूसरे एनिमल्स मेरी दहाड़ सुन के डरने लगे। तो इस तरह से ये आपको मैंने लेसन समझाया। अब इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। शेरी का मतलब होता है, मैं आपको बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिख के बता रही हूँ आपको, ये बोर्ड पे वर्ड्स जो लिख रही हूँ आपको सिर्फ सुनना है और समझना है, देखो फर्स्ट वाला है शेरी, शेरी का मतलब होता है छाव। ओके इस तरह से शेरी का मतलब होता है छाव, छाव। और ग्रंट का मतलब होता है तेज आवाज करना। ओके और गेम का मतलब होता है जो आप लोग खेलते हो। फाउल का मतलब होता है एनिमल, और इस तरह से आपको मैं वर्ड्स बता रही हूँ, आपको ये सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है ओके और समझना है। ओके दिस आर द वर्ड्स विच आर द हार्ड वर्ड्स, ये सारे हार्ड वर्ड्स आपको पढ़ना है ओके और इनको समझने की कोशिश करनी है। पाउंस का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे छोटा बच्चा अपनी मम्मी को घड़ी घड़ी पकड़ रहा था ओके और परेशान कर रहा था, उसकी मम्मी की पूंछ को पकड़ रहा था। तो इस तरह से ये चैप्टर आपको खत्म हो गया है, आपको इसको घर पे रीड करना है ओके।